तो इसलिए लहजतुन के बाद ये दूसरा मरहला जो आया, लहजतुन के बाद कौन सा मरहला? खतरात का। खतरात यानी दिलों के अंदर वसवसे। वसवसे तभी शुरू होते हैं जब आपकी निगाह उसे कैच करती है। जब तक निगाह कैच नहीं करती, वसवसे नहीं शुरू होते। और तालिबे इल्म होने की वजह से मैं एक और मसले की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि इंसान का दिल जब तक पाक व साफ रहता है, कान के रास्ते से, आँख के रास्ते से, ये जो दो अहम रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलबे इल्म के लिए दिए हुए हैं, जब इन दोनों रास्तों से इल्म दिल तक पहुँचता है तो दिल पाकीज़ा रहता है, खाली रहता है, कबूल करने के लिए तैयार रहता है। और वो चीज़ें वहाँ पहुँचते ही कबूलियत का दर्जा हासिल कर लेती है, वहाँ रासिख हो जाता है दिल, वहाँ इल्म रासिख हो जाता है। लेकिन जब लहजात की ताबेदारी नहीं की जाती है या उसकी पाबंदी नहीं की जाती है, निगाहों को कंट्रोल करने का जो कुरानी नुस्खा है, जब उसे बरूए कार नहीं लाया जाता है, तो लहजा अपना असर छोड़ता है किस पर? दिल पर। अपना असर छोड़ता है दिल पर, यानी लहजे के बाद फिक्र अपना काम शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता दिलों के अंदर एक बहुत बड़ी जगह ऐसी होती है जो इन लहजात के असरात से वो सियाह हो जाती है, इन लहजात के असरात से सियाह हो जाती है, और उसी पर पाकीज़ा इल्म भी आता है तो वो वहाँ पर करार नहीं पाता। उसको तो साफ़ सुथरी जगह चाहिए ना उस इल्म को, ताकि उस इल्म से फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि वो इल्म पाकीज़ा है और उसे पाकीज़ा जगह चाहिए, तभी जा कर के वो अपना काम कर सकेगा। और अगर वो किसी वजह से रुक भी जाए, ना चाह करके अगर रुक भी जाए तो फ़ायदा नहीं देता हो, क्योंकि फ़ायदा आप सोचिए, या आप पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, यहाँ आप जा कर के धान और गेहूँ की फसल उगाने के लिए जहाँ पत्थर चारों तरफ हैं वहाँ डालेंगे तो उस पत्थरों से आपके धान और चावल निकलेंगे पत्थरों के बीच से? कबूल ही नहीं करेगा वो ज़मीन, कबूल ही नहीं करेगा, वो पत्थर है वो कबूल नहीं कर सकता, सख्त है वो, उसको हमवार करना होगा, तो फिर जा कर के वहाँ से आपकी फसल निकल सकती है। तो इन लहजात के रास्ते से जो आसार मुरतब होते हैं, सबसे पहला और ख़तरनाक असर दिल के ऊपर जाता है, खतरात। इसलिए दूसरे नंबर पर मौलिफ ने खतरात को ज़िक्र किया है कि अगर कोई शख्स लहजात का ख्याल करता है, उसको पाबंद करता है, तो उसका दिल सलामत रहता है गंदगी से, बुराइयों से और उसके आसार से। और इसीलिए हमारे असलाफ इल्म के बाब में बहुत गहरे इल्म वाले थे और उनका ज़ाकिरा और हाफिज़ा काफ़ी कवी और मज़बूत हुआ करता था, और इसलिए बच्चों का ज़ाकिरा बड़ों के बनिस्बत काफ़ी मज़बूत होता है। वजह, गुनाह नहीं होते उनकी ज़िंदगी में, गुनाह उनकी ज़िंदगी में नहीं होते। तीसरा क्या है? लफ्ज़ात। खतरात के बाद ज़ाहिर सी बात है, जब अंदर जो चीज़ पक रही है तो वो चाहता है कि उस चीज़ को अमली जामा पहनाया जाए, तो ज़ुबान उसके लिए हरकत में आता है, और फिर ज़ुबान के साथ साथ उसके हाथ पैर भी हरकत में आ जाते हैं, जिसको खतवात कहा गया है। अला कुल हाल, ये मौजू मुअल्लिफ़ ने यहाँ पर ज़िक्र किया है इस किताब